वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवित दिया। आज हम बहुत ही जल्दी बनने वाला हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। हम बनाएंगे पोहे। जब हम स्ट्रीट वेंडर से पोहे लेते हैं तो वो बहुत ही खिले खिले और सॉफ्ट होते हैं, तो बस वैसे ही सॉफ्ट और खिले खिले पोहे आज हम बनाएंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पोहे बनाना। पोहे बनाने के लिए 1.5 कप पोहा लिया है मैंने। यहाँ मीडियम साइज़ के पोहे लिए हैं। 1 कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप कच्ची मूंगफली, हरे धनिए की पत्तियाँ, 2 टेबलस्पून वाइट वेनेगर यानी सिरका, 10-12 फ्रेश करी लीव्स, 1 टमाटर की प्यूरी, 1 चम्मच राई, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 नींबू, 1/4 कप नमकीन सेव। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को धो लेते हैं। इसे भिगोकर बिल्कुल भी ना रखें, केवल बॉल में पानी डालकर इसे स्पून से ऐसे हिलाएं और तुरंत इसके पानी को छान लें। पोहे को रगड़ रगड़ कर ना धोएं, क्योंकि इससे पोहे टूट जाते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण ये खिले खिले नहीं बनते। मैंने यहाँ पोहे को 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि पोहे पानी को अच्छे से सोख लें और फूल कर सॉफ्ट हो जाएं। और 5 मिनट के बाद इसे एक बार ऊपर नीचे आप ज़रूर कर लीजिए ताकि पोहे आपस में चिपके नहीं और खिले खिले रहें। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है। तेल के गर्म होने पर इसमें कच्ची मूंगफली डाल दें और इसे लगातार चलाते हुए क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखें। यदि आप पोहे में मूंगफली खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे ना डालें। आप पोहे बनाने के लिए कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मूंगफली 2 से 3 मिनट में ही रोस्ट हो गई है। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसे एक कटोरी या प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल और डालेंगे। तेल के गर्म होने पर इसमें राई डाल दें। राई जब भून जाए तो इसमें ताज़े कड़ी पत्ते डाल दें। कड़ी पत्ते इसमें ज़रूर डालें, इससे पोहे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कड़ी पत्ते जब चटक जाएं तो इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या तीखा खाना पसंद नहीं करते तो हरी मिर्च ना डालें। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को हल्का सा सॉटे कर लें। प्याज को ज़्यादा ना भूनें। अब इसमें 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें और 1 मिनट के लिए ढककर पकाएं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट हो गया है। आप शिमला मिर्च के साथ दूसरी जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप उसे भी पोहे में डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टमाटर की प्यूरी डाल दें। यदि आप पोहे में टमाटर खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे ना डालें, लेकिन एक बार डालकर ज़रूर देखिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और टमाटर और मसालों को 1 मिनट के लिए भून लें। मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें रोस्ट की हुई मूंगफली डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए 15 मिनट के बाद पोहे अच्छे से फूल गए हैं और पोहे ने पानी को भी अच्छे से सोख लिया है और ये कितने खिले खिले लग रहे हैं। अब मैंने पोहे को मसाले में डाल दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें यहाँ नींबू भी डाल सकते हैं। अब इन्हें ढककर लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने दें। 1 मिनट हो गया है। ये देखिए मसाले में पोहा अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हरे धनिए की पत्तियाँ डाल दें।
और इसे पोहे में अच्छे से मिक्स कर लें। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। ये लीजिए, गर्मा गर्म खिले खिले पोहे बनकर तैयार हैं। मैंने इसके साथ एक नींबू को काट कर रखा है। आप चाहे पोहे को खाते समय नींबू का रस डालकर खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसके ऊपर नमकीन सेव डाल रही हूँ, इससे पोहे का टेस्ट और बढ़ जाता है। आप इस तरीके से पोहे बनाकर ज़रूर देखें। ये बच्चों को टिफ़िन में डालकर दें या फिर इवनिंग स्नैक्स में खाएं। यदि आपको मेरी पोहे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन में ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। थैंक यू।